in Kamosh, yeah. My character's name is Nina. And she's a young woman who, I think, really lost her life. But she likes to play. She has a lot of secrets. She's got a dark past. She's got lots of different shades and lots of different layers to her character and her personality. And she runs a guest house, her husband's guest house, in Kashmir. And a little lonely, let's say. And she meets Kabir. And the silences start. Yeah. And in the silence, you yell explosions. That's what we've explored, I think. That silence is that's around us. And the silence is there. It speaks so much louder than that works. And you know, relationships that are far more important. I mean, even if you hate a person, you love a person, it's the silences that talk. We've explored that. We've given you guys a glimpse into your own selves, because it takes a mirror sometimes. It takes a mirror for a Kabir to understand himself. So I play my character as a writer. He's a drunk. He's a rule breaker. He's a little on the edge. Gone through a lot. He's never finished anything in his life. He's always been half there, half here. And finally gets intertwined in this triangular scenario, which is the worst scenario that any love story could take place in. So that you guys will have to decide. But I guess love stories are destined to be accompanied with a lot of disasters. Yeah. It takes three to carry the burden of love. Well, my character name is Jaydev Dhanrajgir, and he's from Srinagar. Okay, and Srinagar ka banda hai to charming rahega. And one day WhatsApp told me ki Gurmeet charming ladka hai, aur because I was taking a little time ki karun ya na karun, because TV mein bahut sare kirdar kiye, bahut sare character kiye. जब मेरे पास ये आया मैं डर गया एक्चुअली कि ये कैसे करूँगा, क्योंकि आपकी पहली फिल्म है, आपको ऐसी डरे होते कि आपका पहला कदम है बॉलीवुड में और ऊपर से आपको ये किरदार दिया गया जो कि इतना दमदार है, इसको करने के लिए आप में गट्स चाहिए आपकी पहली फिल्म के लिए. तो मैंने 20 दिन लिया टाइम, तो मुझे ऑफिस से कॉल आया, अभी तक तेरा कोई कॉल नहीं आया. मैंने नहीं भरसा, मतलब मैं सोच रहा हूँ कि इसको कैसे करूँ, कर पाऊँगा कि नहीं कर पाऊँगा. एंड फिर फाइनली एक दिन मैंने होमवर्क किया और उस किरदार को सोच के मैंने एक उसका कॉस्ट्यूम कैसा होगा, उसका हेयर स्टाइल कैसा होगा, वो चलेगा कैसे, हम मैंने पूरा शूट किया, वो बैठेगा कैसे, सोएगा सुबह अलार्म लगाता था अपना, वीडियो लेता था, उठेगा कैसे, और शूट किया प्रॉपर. और एक दिन मैं अपने डायरेक्टर के पास गया और उनको कुछ आइडिया नहीं था. मैंने उनको ये देखा कि क्या ये ऐसा कुछ होगा, और प्रॉपर फोटो शूट करके एडिट करके हर चीज़ ये लुक होगा, क्योंकि ये श्रीनगर का है, क्योंकि मैं श्रीनगर में रह चुका हूँ 4-5 साल. तो करण दारा एक्साइटेड हो गया, यू नो, और करण दारा की भी पहली फिल्म है, और ये अगर आप किसी एक्टर की तरफ से इतना कुछ होता है तो वो एक्साइटमेंट बढ़ जाता है. तो मैंने इंजेक्ट कर दिया, मैं खुद भी बहुत बिलीव करता हूँ एनर्जी इसमें, मतलब आप जब व्हेन यू गिव योर बेस्ट तो सामने से भी वो ऐसी एनर्जी आती है. करण एक्साइटेड हो गया और हमने इस किरदार को और डेवलप किया. तो कहने का मतलब ये है कि जब इतना सब कुछ इन्वॉल्व होता है तो किरदार हमेशा अच्छा कहीं ना कहीं निकल के आता है. भट साहब ने बोला कि फिल्म के बाद गुरमीत याद रखेंगे तुझे, तूने जो किया है. यू नो, आप काफी पॉपुलर फेस हो टीवी पे, आज भी जिस तरह के आपको तो मालूम होगा फैंस कैसे होते टेलीविजन पे, आप आज भी आपको लोग एक राम के रूप में देखते हैं क्योंकि आपने उसे स्टार किया है. आई मीन सीरियसली, आई मीन पीपल स्टिल टॉक अबाउट दैट. विद दिस फिल्म आर यू गोइंग टू सरप्राइज योर फीमेल ऑडियंस, बिकॉज आपकी फीमेल ऑडियंस ज्यादा है, और यू गोइंग टू शॉक देम. देखिए जब राम का रामायण जब मैंने पहला शो किया था, सबको लगा था अब तो पहले जो एक था कि रामायण के बाद कोई जो राम पॉपुलर हो जाता है वो उसी इमेज में बन जाता है, तो सबको ये लग रहा था. और मैं पहला एक्टर था जो इसने ये मिथ को तोड़ा, और मैंने गीत शो किया जिसने किसी को यकीन नहीं आया कि ये वो राम है जो रोमांटिक हीरो बना. मैं टीवी का मुझे रोमांटिक हीरो बोला जाता है और एक्शन हीरो बोला जाता है,
तो हर इमेज को मैंने खुद से तोड़ा है, खुद से लड़के। और मुझे याद है कि मीडिया में ये बात आई थी कि पहला एक एक्टर जो जिसने माइथोलॉजी का जो मिथ था प्रोड्यूसरों में कि एक माइथो जो बन कर लेता वो कभी कुछ नहीं कर सकता, वो मिथ मैंने तोड़ा गीत से, मैंने पुनर्विवाद झलक जीता। और जब ये फिल्म का गाना लॉन्च हुआ ये भीग लूँ, तो मुझे मेरा ये रिएक्शन था कि लड़कियों में क्या, क्योंकि लड़कियों को ऐसे ही लड़कियाँ बहुत पसंद करती हैं। और जब रिस्पॉन्स आने लगे, मुझे याद है 4 बजे वो व्हाट्सएप लॉन्च हुआ और व्हाट्सएप पे ट्विटर पे आने लगा, गुरमीत यू आर लुकिंग हॉट, गुरमीत ये जो एक डर था इतना बैठा हो कि लड़कियों का क्या रिएक्शन होगा, तो मुझे लगता है बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो गया। मुझे लगता है ये अच्छा साइन है, एंड अभी तो फिल्म बाकी है मेरे दोस्त, तो बहुत कुछ है। Shouldn't your husband actually be your lover? Not necessarily. Actually. I think you should. Oh, no, I don't like this question. I thought it was a heartbreaking answer for me. Yeah. Not necessarily. Especially in India. Not necessarily. I think the most... Wow. She just made me feel so happy because that makes me feel very comfortable. What? With the constituency for which the films are pitched. That's the consequence that India has moved ahead. Moved ahead? Because yeah. Your husband need not necessarily be your lover. This is my personal belief. Yeah. I would like to, if you're asking me on a personal level, whoever the husband may be in the future, I would love to be in love with him and him be it or be nobody. I'm just asking if you have to choose between them. That's not fair. Why? I love them both equally. They're both awesome. Don't do that. But give it a chance. Give it a chance. You're giving your scenario. Give it a chance. Okay, let's swap it. You be the husband, you be the lover. Okay. Let's switch. No, but Gurmeet's got the flowers. Okay, then you be the husband, you be the lover. Why don't you ask them? Which ones would you like to be? Both of you. Which one would we like to who be? Would you like to be and who would you like to be? This is what I mean. This is why the discourse of the younger people has changed. That you never had a journalist respond the way she did. As she said that a husband doesn't necessarily have to be a lover. No. Now, in my journey through the world of movies where we have been through innumerable promotions, this is what I'm saying, that women are unleashed now and they're speaking their minds out, and that's what is in the heart of Anusha, is a girl who believes in unleashing her sexuality, not within the parameters of what the men have defined. And that's why the narratives are going to be fresh in you, because once you move away from that portal and don't sail towards the same port, then it has a different kind of freshness inherent in it.